राजस्थान में एक मंदिर में भगवान बीमार है, उन्हें काढ़े के साथ फल का भोग लगाया जा रहा है। आमतौर पर लोग अपने दुख दर्द और बीमारी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर भगवान खुद बीमार पड़ जाए तो? राजस्थान में उदयपुर के जगन्नाथ धाम में भगवान बीमार है, ऐसा पुजारियों का कहना है। अभी वो अपने गर्भगृह में ही आराम कर रहे हैं। भगवान के भी खाली काढ़े का भोग लगा है, काढ़ा है, जूस है, बाकी चावल का भोग लगता है, अभी चावल भगवान के लिए बंद है। तो हम वही भगवान अस्वस्थ है तो भगवान को जो भी है काढ़ा वगैरह वो वितरण कर वो पिला रहे हैं। भगवान जल्दी अच्छे हो जाएं इसके लिए भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन बीमार होने की वजह से वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि भगवान जगदीश ने जेठ पूर्णिमा के दिन 108 घड़ों से स्नान करने के बाद आम का जूस पिया था, जिससे वो बीमार पड़ गए। बस इनकी स्वस्थता की कामना करते हैं कि मनुष्य जब अस्वस्थ होता है, जब भगवान अस्वस्थ हो रहे हैं तो मनुष्य की क्या देन है। मनुष्य तो अगर प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो अस्वस्थ होगा ही। अभी यहाँ भगवान को आयुर्वेद की दवाओं से बना काढ़ा और फलों के जूस का भोग दिया जा रहा है ताकि वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। ये 15 दिन हमारे लिए इतने व्याकुलता से निकलते हैं कि ना तो उनके दर्शन हो पाते हैं, सिर्फ झांकियां जो फोटो लगी है उनके दर्शन करके हम संतुष्टि करते हैं, लेकिन अंदर से मन बड़ा व्याकुल रहता है। पुजारियों का कहना है कि भगवान जगदीश 13 जुलाई को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भक्तों को दर्शन देंगे और तब मंदिर में 56 भोग उत्सव होगा। इसके बाद अगले ही दिन भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए बाहर निकलेंगे।